हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द अनदर डे एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो मैं अभी अभी उठी हूँ, मैंने अभी अपना व्लॉग एडिट किया और उसको मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया, तो जाकर उसको देख लेना, आपने देख लिया होगा आई होप। तो अभी बस उठती हूँ और अभी रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे जिम जाना है, तो मैं आपको जिम के बाद मिलती हूँ। बाय। सो गाइस, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। मैंने सोचा एक परौंठी खा लेती हूँ जाने से पहले, बस ये खा लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से अपना और रेडी होती हूँ और निकलती हूँ जिम के लिए थोड़ी देर में। ओके बाय। सो गाइज, डन विद द लास्ट वर्कआउट एंड जिमिंग सेशन ऑफ 2023 मे बी, अगर मैं किसी और जिम नहीं गई तो। तो गाइज, आज देखो वैभव से मेरा मिलने का इस साल का आखिरी दिन है। आई एम सो सैड। तो वैभव का बाय बोल दो सब। तो वैभव बाय बोल रहे, वैभव को थोड़ी शर्म आ रही है, यू नो ही इज नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर लाइक मी, दैट्स व्हाई। तो वैभव अब मेरे को नहीं अभी मिलेंगे ना, वैभव इज गोइंग गाँव, ठीक है, और फिर घर भी जाना, वैभव को बहुत काम है। सो गाइज, हेयर इज माई वेजिटेबल मैगी, मम्मी ने जुगाड़ करके बना दी है, जो मैंने उस दिन सब्जी बनाई थी ना वो इसमें मिक्स कर दी हुई है। सो अब ये खा लेते हैं। घर से निकल चुके हैं, घर में सब जा रहे हैं, मेघा भी पेपर देके अपना आ चुकी है, और उसको मैंने बोला तो सो जा, बट उसको सोना नहीं है, तो वो बोले चलो बाहर। तो अब हम सब बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन पता नहीं है क्या शॉपिंग करनी है, सो देखते हैं, लेट्स सी। और ये मेरी मम्मी को देख सकते हैं आप, इन्होंने 5 बार कपड़े बदल लिए आज। अभी हम घर आ चुके हैं वापस, मतलब वहाँ से क्या बोलते हैं, हम गए हुए थे ना कार्ड्स, भाजी और मिठाई वगैरह के ऑर्डर्स देने, और हम कब से गए थे, हमें इतना टाइम लग गया वहाँ पे रात को, अब हम 9 बजे आए हैं। तो बस मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करे, फिर किचन में मम्मा की थोड़ी हेल्प करा रही थी, अभी हम लोगों को डिनर पे करना है, तो फिर बस बहुत थक गए यार, इतना से काम में इतना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट तो नहीं, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो चलो खाना वाना खाती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ, या फिर कल सुबह मिलूँगी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना डे कर रहे हैं स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ ग्रीन टी आज हम पियेंगे काढ़ा। तो काढ़ा पीते हैं अभी, इसको होने दो, इसमें मिलने दो मतलब। और ये देखो छोटा सुबह सुबह आ जाता है मुझको तंग करने के लिए। हेलो छोटू, जा यहाँ से, गो। ये देखो छोटे को, हेलो, कॉट्स। हेयर इज माई ब्रेकफास्ट फॉर द डे, ऑमलेट, चपाती, और अब देखते हैं हम टीवी में कुछ लगाते हैं। सो गाइज, अभी मैंने बनाई मटर पनीर की सब्जी, और फिर मैंने खाना वाना खा लिया। अब खाना खा के मैं छत पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, ठंड नहीं लग रही थी एक्चुअली, धूप सेकनी होती है ना, मम्मा और मैं धूप सेकने आए हैं, और अभी हम मिलके ये मटर निकालेंगे। ठीक है गाइज, अभी हम घर से निकल चुके हैं, हमें आज अपने कार्ड्स वगैरह का मैटर फाइनलाइज करना है, और आज मैं अपनी डायरी अपने साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि कल मैं लेकर नहीं गई, फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, तो अभी हम जा रहे हैं, और भी बहुत काम है, तो आज फिर से हम 4 बजे जा रहे हैं। ये गाइज, हमने कार्ड्स वगैरह फाइनल करके दे दिए हैं छपने के लिए, अब हम आए हैं मिठाइयाँ और भाजी फाइनल करने के लिए, तो लेट्स गो। और ये देखो आप, मेरी बहन को आप मिलती नहीं ना, ये आपको इसको मिलो। हमने भाजी और मिठाई भी फाइनल कर दी है, तो बहुत अच्छी बात हो चुकी है ये, और अब हमें भूख लग रही थी, मतलब मेगा को भूख लग रही थी, तो अभी हमने स्प्रिंग रोल्स और मोमोज लिए राजू चाइनीज से, बिकॉज दैट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। तो मेगा अभी खा लिया अपने मोमोज, और पापा अभी स्प्रिंग रोल्स लेकर आएंगे, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज आई लव स्प्रिंग रोल्स, यू नो दैट। और ये पीछे मम्मी देखो कैमरे में झांकियां मारते हुए। ओके ठीक है भाई, अभी हम इसके बाद तो कुछ नहीं करेंगे, घर ही जाएंगे, बिकॉज मेगा को घर पहुँचना है 8 बजे तक, तो इसलिए बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। ठीक है, मैंने आज वैसे मटर पनीर बना दिया, तो अपने जाके सिर्फ चपाती बनानी है, तो वो मैं बना दूंगी, तो बस। और मम्मी इसमें फिर से जाती है मारते हुए, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं, मतलब देख लो। सो गाइस, स्प्रिंग रोल्स भी आ चुके हैं, और हमने सब ने बंटवारा कर लिया इसका। सो गाइस, मेरी सिस्टर को और खाना है, तो मेरी सिस्टर और खा रही है, दिस इज विद चाप, कोई चाप है, तो ये चाप खा रही है, मलाई चाप, अफगानी चाप लग रही है मुझे तो।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द अनदर डे। तो अभी जब मैं उठी, देखा बाहर इतनी धुंधी धुंध है, बहुत ठंड है आज बाहर। तो फिर ऐसे मौसम को देखते हुए आज मम्मी ने बनाए थे स्टफ़ किए हुए आलू वाले ब्रेड पकौड़े, तो वो मैं खा चुकी हूँ, खा लिए, मतलब जितने खाने थे तो मैंने वो खा लिए। और अब मैं उसके ऊपर मैंने पानी पी लिया, मेरे गले में हो रहा है। तो अब बस अभी हम घर पे ही रहेंगे। अरे मैं मतलब लेती हूँ, लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर मेरा वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा, और इतना गंदा मौसम है सुस्ती वाला, तो मन कर रहा सो जाऊँ वापस फिर से, बट देखते हैं क्या करना है। सो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज़ द अनदर डे। अभी मैं सो कर उठी हूँ, अभी चाय पी है, और अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी मम्मा कर रहे हैं। तो कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कल वॉज अ वेरी लेजी डे। तो फिर मैं सोती रही और खाती रही और टीवी देखती रही। तो मैंने बाड़ा ऑफ ब्लड देखी, कल ना पूरी सीरीज देखी। तो अभी देखते हैं क्या करना, और अब फिर से सिर में सिर धोने वाला हो गया, ऑयली ऑयली सा, तो आज अपना सिर धो ठीक है। मैं नहा ली हूँ फिर से। अभी मैं शायद से अपनी गेट रेडी विद मी की वीडियो बनाऊँगी, और उसके बाद देखते हैं आज क्या करना है। अभी कुछ पता नहीं क्या करना है। तो बाल मैंने सोचा ड्रायर से सुखाने से अच्छा धूप में जाके सूखा लूँ, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अभी मिलती हूँ आपको बाद में। बाय। गाइस, अभी हम घर से निकल रहे हैं, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, और हम लोग अब जा रहे हैं शॉपिंग करने, पापा के कपड़े लेने, मम्मी की फुटवेयर लेने। सो वी आर गोइंग नाउ। तो वहाँ जाके आपको मिलते हो। ओके बाय। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं शाम मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो गाइज, हम शाम मॉल से निराश होकर अब आ चुके हैं सेक्टर 17 में शॉपिंग करने। अब यहाँ देखते हैं पापा को कुछ पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि पापा को कहीं पे कुछ पसंद ही नहीं आता। तो 17 में हम देखते हैं। सो गाइज, बहुत देर की एफर्ट्स करने के बाद पापा को उनकी वेडिंग में जो उन्होंने कपड़े पहने वो मिल चुके हैं। सो दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। तो इसके बाद अभी पापा को लेना है अपना कोट पैंट, तो अब हम उसकी हंटिंग पे जा रहे हैं। हम इतनी देर से वैसे ढूंढ रहे हैं, कुछ इन्हें पसंद नहीं आ रहा। पसंद आ रहा तो फिटिंग इश्यूज आ रहे हैं, और किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। तो मैंने तो पापा को बोला पूरा खुद से सिलवाई लो, वो बेटर ऑप्शन है। सो देखते हैं अभी क्या करना है। और बहुत लेट हो गया, भूख भी लग रही है, और मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं हील्स पहन के आई थी, इसीलिए मैं थक चुकी हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।